सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्रं सुखं शं राहुर्बाहुबलं करोतु सततं के तुम कुलाशून्यतिं नित्यं प्रीति करा भवतु मे सर्वान् जय हो नमस्कार सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा आज 11 दिसंबर है शीत ऋतु अपने पूरे जोर में है आइए इसी ठंडक भरे वातावरण में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आज हम आपको वास्तु टिप्स में बताएंगे कि कंपाउंड वॉल से लगकर ईशान कोण में निर्माण करने के क्या परिणाम मिलते हैं और साथ ही ज्योतिष ज्ञान में चर्चा करेंगे आज हम आपको कि सिंह तुला राशि के साथ नौ रत्नों का क्या परिणाम होता है उस विषय में साथ ही जानेंगे सभी बारह राशियों का हाल पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व इस सप्ताह सोमवार 12 दिसंबर को रात ग्यारह बजकर चौंतीस मिनट से आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा आश्लेषा नक्षत्र ये मूल संज्ञक नक्षत्र है और इसमें यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसकी आश्लेषा शांति कराई जाती है सत्ताईसवें दिन नक्षत्र आता है उस समय इसकी शांति करानी चाहिए मंगलवार तेरह दिसंबर को आश्लेषा नक्षत्र रहेगा संपूर्ण दिवस मंगलवार तेरह दिसंबर को ही वैद्युति योग भी है मतलब आश्लेषा नक्षत्र भी रहेगा और वैद्युति योग भी रहेगा वैद्युत योग की भी शांति कराई जाती है बुधवार चौदह दिसंबर को वैद्युत योग रहेगा सुबह छः बजकर तिरपन मिनट तक शुक्रवार सोलह दिसंबर को कालाष्टमी है और इसी दिन सूर्य सोलह दिसंबर को मूल नक्षत्र और राशि में प्रवेश करेगा राशि में सूर्य आने पर इसे धनार्क कहा जाता है और यदि प्रचलित भाषा की बात करें तो कहते हैं कि उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार इसे मलमास कहा जाता है दो बार सूर्य जो है ये मलमास मानते हैं एक जब सूर्य राशि में आता है उस समय और जब दूसरी बार सूर्य मीन राशि में आता है उस समय तो सूर्य धनु राशि में लगभग 14-15 दिसंबर से लेकर के 14-15 जनवरी तक संक्रांति तक रहता है इसे मलमास कहा जाता है और इसमें वैसे कोई कार्य शुभ कार्य है उस पर ब्रेक लग जाते हैं शनिवार 17 दिसंबर को हस्त नक्षत्र का यम घंट योग रहेगा रविवार शनिवार के दिन हस्त नक्षत्र अगर हो तो उसे यम घंट योग कहते हैं ये सुबह नौ बजकर सत्रह मिनट से प्रारंभ होगा रविवार 18 दिसंबर को हस्त नक्षत्र का अमृत योग रहेगा रविवार के दिन यदि अमृत नक्षत्र हस्त नक्षत्र आ रहा है तो इसे अमृत योग कहते हैं जिस प्रकार से गुरु पुष्यमृत योग होता है गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने पर वैसे ही हस्त नक्षत्र यदि रविवार के दिन होता है तो उसे अमृत योग कहते हैं और ये रहेगा सुबह दस बजकर सत्ताईस मिनट तक ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व आप जानते हैं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 12 से 18 दिसंबर 2022 तक सर्वप्रथम देखते हैं काल पुरुष की पहली राशि मेष। मेष राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रहेगी पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं नए कार्य की रूपरेखा इस अंतराल में स्थगित रखे तो अच्छा बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे विद्यार्थी कण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे आपकी सहायता को सराया जाएगा शुक्रवार की बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है किस्मत की गाड़ी रुक रुक करी कौन से ही आगे बढ़ रही है जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें शनिवार रविवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस से भी बढ़ रहा है कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करना अच्छा है सेहत ठीक ठाक रहेगी सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय अनुकूल है देखते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ शुक्र वृषभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा आपकी बात खुल करके रखनी होगी बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है लेकिन अधिक भावुकता से बचे वाहन चलाते हुए अतिरिक्त तो सावधानी बरते किसी बुजुर्ग का अपमान न करें शुक्रवार की बात करते हैं तो आपको अपने चंचल मन को काबू में रखने की जरूरत है वरना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मन दुविधा का अनुभव करेगा इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय इस अंतराल में टाल दे तो अच्छा है क्रोध पर संयम रखें शनिवार रविवार स्वभाव में हटीलापन रहेगा जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है संतान के प्रश्नों के कारण से भी चिंता रहेगी ये सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय अनुकूल है देखते हैं कल की तीसरी राशि मिथुन मिथुन राशि के अधिपति बुध है सोमवार मंगलवार आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो रहा है व्यापारी और वैतनिक कर्मचारियों के लिए लाभप्रद समय है भागीदारी से लाभ होगा बुधवार गुरुवार खुशियों में इजाफा हो रहा है भाइयों स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है शुक्रवार की बात करते हैं तो चिंता से घिरे रहेंगे हाथ में आया अवसर अनिर्णय के कारण से गवा सकते हैं शनिवार रविवार मानसिक शांति के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखे कोई आप पर नजर रख रहा है इसलिए काम को ईमानदारी से करें यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल देखते हैं काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है सोमवार मंगलवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक होगा आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव हैरानी में डाल सकते हैं बुधवार गुरुवार जिद्दी व्यवहार छोड़े समाधानकारी व्यवहार अपनाएं अपनाए जनों के साथ संवाद बढ़ेगा अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं शुक्रवार की बात करते हैं कमाई के नए साधन मिल सकते हैं बचत में बढ़ोतरी हो रही है मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा शनिवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है अब देखते हैं वास्तु टिप्स पिछले बार हम बात कर रहे थे कि घर से लगकर घर खरीदने के पूर्व क्या सावधानी देखनी चाहिए आज हम आपको घर की कंपाउंड वॉल के पास ईशान कोण में यदि आप निर्माण कर रहे हैं तब क्या उसके शुभ अशुभ परिणाम होते हैं घर का निर्माण करते समय उसे चारों ओर से खुला रखना चाहिए ये गोल्डन रूल है कई बार क्या होता है कि कंपाउंड वॉल से दीवार की दीवार से लग के जो चार कोने हैं ईशान अग्नि नैत्य और वायव्य आमतौर पर इसमें कई बार जगह की कमी के कारण से निर्माण कर लिया जाता है आज कंपाउंड वॉल से लगकर ईशान कोण में खुली जगह पर आप निर्माण कर रहे हैं तो वो अशुभ होता है ईशान कोण ये भगवान शिव का वास नाम ही है ईशान यानी भगवान शिव का एक नाम यहाँ निर्माण नहीं करना चाहिए और पंच तत्वों की बात करते हैं तो यह जो कॉर्नर है यहाँ पर जल तत्व की प्रधानता होती है जल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है सूर्य की जो सुबह का जो प्रकाश है वो इसी दिशा से हमारे घर में प्रवेश करता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब साथ ही सूर्य के जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समृद्धि को देने वाली होती है और वह भी इसी कोण से जब सूर्य उत्तरायण छः महीने होते हैं तब इसी कोण से हमारे यहाँ आती है और यदि हमने वहाँ निर्माण किया तो वो आना बंद हो जाएगी और वो बुरा है हमारे लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी बुरा है समृद्धि के लिए भी ठीक नहीं है इस स्थान पर शेड या अन्य प्रकार से आप निर्माण करते हैं तो वो बाधा उत्पन्न हो जाएगी इसलिए इस स्थान पर कोई निर्माण न करें अगले सप्ताह हम आपको बतलाएंगे कि कंपाउंड वॉल से लगकर कोण में यदि हम निर्माण करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं उस विषय पर अब बढ़ते हैं सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सबसे पहले सिंह राशि सोमवार मंगलवार अपने क्रोध पर काबू पाएं आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं बुधवार गुरुवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी मन और संयम को मूल मंत्र बनाए शुक्रवार की बात करते तो शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी नए कार्य की प्रेरणा मिल रही है वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल होगा शनिवार रविवार सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं सम्मान और ख्याति मिलेगी मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल समय आपके लिए अनुकूल है देखते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या कन्या राशि के अधिपति बुध है सोमवार मंगलवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा सुनहरे पलों का आनंद ले यही पल आपके लिए मीठी यादें बन सकते हैं बुधवार गुरुवार वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है मुश्किल वक्त है शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों का आपके खिलाफ कर सकते हैं हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है शुक्रवार की बात करते तो विरोधी आपके गैर जिम्मेदार रवैये से लाभ उठा सकते हैं मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दे अधिक खर्च होने से हाथ आपका तंग रहेगा शनिवार रविवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको फायदा भी होगा यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल समय आपके लिए अनुकूल है देखते हैं पुरुष की सातवीं राशि तुला तुला राशि के अधिपति शुक्र है सोमवार मंगलवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा इस समय अधर में लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है बुधवार गुरुवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है आपका आत्मविश्वास इस मुश्किल वक्त से आपको बाहर निकाल सकता है शुक्रवार की बात करते हैं तो प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ आप संपन्न करें अपनों से मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं शनिवार रविवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा ध्यान रहे औरों को बहस करता देखकर आप भी शुरू न हो जाएं स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च करना पड़ सकता है यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल समय आपके लिए अनुकूल है देखते हैं काल पुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है सोमवार मंगलवार आपका मन भक्ति में अधिक रमा रहेगा चिंतन मनन में समय व्यतीत होगा मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रहे किसी शांत स्थान पर जाए समय बिताए अच्छा रहेगा बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरते सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है शुक्रवार की बात करते तो कार्य क्षेत्र में वर्चस्व प्रभाव जमा सकेंगे उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर हो रही है पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी शनिवार एक मेहनत रंग ला रही है लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे वक्त की मांग है कि सावधानी बढ़ते लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान हमारी श्रृंखला प्रारंभ है राशि और नवरत्न जिसमें प्रत्येक राशि के साथ नवरत्नों का क्या परिणाम होता है पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए उस विषय में हम बात कर रहे हैं पिछली बार हमने आपको कन्या राशि के साथ नवरत्नों की चर्चा की आज हम आपको तुला राशि के साथ नवरत्नों का क्या परिणाम होता है उस विषय पर बात करेंगे तुला राशि काल पुरुष की सातवीं राशि है राशी स्वामी है शुक्र तुला राशि वायु तत्व राशि है चर राशि है वही जो राशिस्वामी शुक्र है ये जल तत्व है सबसे पहला रत्न आता है माणिक माणिक ये सूर्य का रत्न है प्रतिनिधि और सूर्य और शुक्र ये दोनों जो है आपस में शत्रु है तुला राशि वालों के लिए माणिक ये एकादश भाव का प्रतिनिधि रत्न हो जाता है लेकिन शत्रुता के कारण से आमतौर पर नहीं पहनना चाहिए लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य निर्बल हो तो अति आवश्यक हो तो मानिक धारण कर सकते हैं मोती तुला जातकों के लिए मोती आमतौर पर नहीं पहनना चाहिए परंतु चंद्रमा यदि कुंडली में अनुकूल हो तो मोती पहन सकते हैं इससे कार्यक्षेत्र में यश की प्राप्ति होती है मूंगा मूंगा ये मंगल का रत्न है और तुला जातकों के लिए आमतौर पर प्रतिकूल है क्योंकि शुक्र और मंगल आपस में शत्रु है धन भाव और सप्तम भाव का प्रतिनिधि रत्न है लेकिन फिर भी मूंगा पहनने से मन विचलित होता है न पहने तो ही अच्छा पन्ना पन्ना ये बुध का रत्न है तुला जातकों के लिए ये भाग्येश हो जाता है पन्ना पहनने से उन्नति प्रगति के अवसर इनके जीवन में आते हैं इसलिए पन्ना अवश्य पहनना चाहिए पुखराज पुखराज एक गुरु का प्रतिनिधि रत्न है और शुक्र और गुरु आपस में शत्रु है इसलिए आमतौर पर नहीं पहनना चाहिए किंतु कुंडली में यदि गुरु शुभ स्थिति में हो तो धारण कर सकते हैं हाँ सफेद पुखराज के भी अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं पीला पुखराज न पहने सफेद पुखराज पहने तो ये हीरा का रिजल्ट देते हैं हीरा तुला जातकों के लिए हीरा ये राशि रत्न है और भाग्य और आत्मबल को बढ़ाने का काम हीरे से होता है धारण कर सकते हैं नीलम नीलम ये शनि का रत्न है और शुक्र और शनि आपस में मित्र है और तुला जातकों के लिए ये चतुर्थेश और पंचमेश का रत्न है नीलम आमतौर पर बढ़िया है संतान के लिए भी अच्छा है और धन समृद्धि को बढ़ाने वाला भी रत्न हो जाता है गोमेद गोमेद ये राहु का रत्न है शुक्र और राहु मित्र है आपस में तो तुला जातक पहन सकते हैं गोमे कुंडली में यदि राहु अनुकूल हो तो लहसुनिया ये शनि ये केतु का रत्न है शुक्र और केतु मित्र है पहन सकते हैं लहसुनिया यदि कुंडली में केतु यदि ष्टम अष्टम द्वादश भाव में नहीं है तो इस प्रकार से तुला जातकों के लिए आमतौर पर पन्ना हीरा नीलम ये अच्छे होते हैं लेकिन कोई भी रत्न यदि पहनना हो तो अच्छे विद्वान ज्योतिषी से सलाह करके ही रत्न धारण करें अगले सप्ताह हम आपको वृश्चिक राशि वालों के साथ नवरत्नों का क्या परिणाम होता है उस विषय पर चर्चा करेंगे अब जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि वालों का हाल सबसे पहले जानते हैं राशि धनु राशि के अधिपति गुरु है सोमवार मंगलवार ताजगी और स्पूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं कर रहा है ऐसा भी अनुभव आपको होगा तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी बुधवार गुरुवार आपने आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मनोयोग से करें किस्मत का सितारा बुलंद है लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना काम कामयाबी नहीं मिल सकती घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं शुक्रवार की बात करते हैं तो नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है यात्रा करने से पहले इश्त का स्मरण जरूर करें सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा शनिवार रविवार कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां भी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था अपनी कलात्मक सोच को निखारने का प्रयास करें यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है देखते हैं कल पुरुष की दसवीं राशि मकर शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें बुधवार गुरुवार कार्य की असफलता हताशा पैदा करेगी आकस्मिक धन खर्च हो सकता है आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी किसी के साथ गलत थे या वाद विवाद से बचें शुक्रवार की बात करते हैं तो काम करने का मन नहीं करेगा मानसिक उथल पुथल रहेगी स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है राजकीय गुना से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहे शनिवार रविवार आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा चिंतन मनन में समय व्यतीत होगा मानसिक शांति आपकी दूर होगी किसी शांत स्थान पर जाए और वक्त बिताए तभी आपको मिलेगी यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल शिस्त समय अनुकूल है देखते हैं कालपुरुष की ग्यारहवीं राशि कुंभ शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ रहा है कानूनी अड़चनों का समाधान होगा छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं बुधवार गुरुवार कार्यक्षेत्र में सोच समझ करके लिए गए निर्णय आपको बड़ा फायदा देंगे कौटुंबिक और शारीरिक आर्थिक विषयों पर आपका ध्यान देना पड़ेगा अविवाहितों के लिए शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं शुक्रवार की बात करते हैं तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा पार्टी पिकनिक प्रवास सुंदर भोजन वस्त्र परिधान ये रह सकते हैं पार्टनर की इच्छा पूरी होगी प्यार बढ़ रहा है शनिवार रविवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रह सकती है इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन भी हो सकती है यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है देखते हैं कालपुरुष की बारहवीं राशि मीन गुरु मीन राशि के अधिपति है सोमवार मंगलवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें बुधवार गुरुवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है शुक्रवार शनिवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी कार्य पर खर्च करना पड़ सकता है छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी शनिवार रविवार जीवन साथी से मधुरता छाई रहेगी आपका पार्टनर से राय ले फायदा होगा बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे ये सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है यह है बारह राशियों का फलादेश बारह से अठारह दिसंबर दो हज़ार बाईस तक अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे धन्यवाद जय श्री राम जोसे अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन वास्तु विजिट रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा ओम ज्योतिष कार्यालय न्यू राधा किशन प्लॉट महसूल भवन के पास अकोला फोन नंबर शून्य सात दो चार दो चार चार शून्य सात दो दो मोबाइल नंबर नौ चार दो दो आठ छः शून्य तीन एक एक नौ आठ दो 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 सात सात छः पाँच जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं वेब एड्रेस है डब्ल्यू 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 डॉट पंडित सुदर्शन डॉट कॉम